तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रगोन नोएडा भारत से, और आज भाई टाटा मांजा का इंजन ओवरऑल कर रहे हैं, टाटा मांजा का। तो इसके टाइमिंग के बारे में पूरी डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। इसकी टाइमिंग होती कैसे कैसे, क्योंकि स्विफ्ट का जो टाइमिंग है उसमें और टाटा मांजा की टाइमिंग डिफरेंटेड है भाई, पिस्टन में भी डिफरेंटेड है, कई सारी चीज डिफरेंट है। तो इसकी टाइमिंग किधर है वो जानेंगे। और सबसे पहले ये चीज बता दो, कॉमन क्या है कि स्विफ्ट में भी और टाटा मांजा भी कॉमन यह है कि चारों पिस्टन जो है ना स्वेप्ट वैल्यू में जाके टाइमिंग होती है, लेकिन अंतर इतना है कि स्विफ्ट में नीचे टाइमिंग लॉक किया जाता है और इसमें टाटा मांजा में साइड में। तो पूरी डिटेल में देखते हैं, ठीक है। देखो और करो बस, ठीक है, बिल्कुल राइट। बोल्ट कहाँ है, अल्लाह ठीक है। अब इधर का बोल्ट दे दो, एक वोल्ट और दो। कहाँ है, चाहिए ना बस, एक ए बोल्ट है, बिल्कुल गरारी टू गरारी में चला जाएगा, बिल्कुल जीरो टू जीरो बस। ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, यानी ये दोनों फ्री हैं। हमने केम को लॉक कर लिया इधर से, ये कौन सा इंटेक केम है, एग्जॉस्ट केम को इधर से लॉक कर लिया, तो ठीक है। ये दोनों हेड के केमों का लॉकिंग हो गया, अभी मैंने निकाला नहीं है, फ्री है ये सारा, फ्री है। अभी क्रैंक का लॉक जो करना है, क्रैंक का वो हमने यहाँ कर लिया, देख सकते हैं ये क्रैंक का लॉक कर लिया यहाँ। हाँ ये दिखाओ, लगाओ जरा, ठीक है। तो ये अलंकी से कर लिया, इसके लिए स्पेशल टूल भी आते हैं भाई, पर ये टर्बो के बराबर में रहता है जहाँ क्रैंक सेंसर लगती है, यही है लॉक का। और चूंकि ये पिस्टन स्वेप्ट वैल्यूम में लॉक होता है, ना तो बीडीसी पे होता है ना टीडीसी पे होता है, स्वेप्ट वैल्यूम पे लॉक होता है सिर्फ इसका। और हमारा सारे पिस्टन एक बराबर में है, ठीक है जी, ओके। अब ये हो गई टाइमिंग, यानी क्रैंक का टाइमिंग यहाँ से लॉक कर ली, ठीक है, और हेड की टाइमिंग एक ए बोल्ट से और एक ए बोल्ट से, दो बोल्ट से लॉक कर ली। अब क्या है, टाइमिंग प्लेट लगा देते हैं। टाइमिंग प्लेट लगाने के बाद से गरारी लगाएंगे, और गरारी लगाकर फुल टाइट करेंगे तब ये सारे लॉक निकालेंगे, अभी नहीं। टाइमिंग प्लेट लगा दी, अब लगाएंगे हम इसका गुल्ला लगाएंगे, ये आ जा भाई, शाबाश, ये गुल्ला लग गया। अब जो है हम इसे टाइट कर देंगे, चूंकि उल्टी छुड़ी टाइट होती है, ठीक है, टाइट कर लेंगे। अभी लॉक निकाला नहीं है, ये बोल्ट जो है ना इधर का केम का निकाला है ना क्रैंक का निकाला है। अभी इसको लेके आओ, गोटी लेके आओ, इसे फुल टाइट करो, इसी कंडीशन में फुल टाइट करो। अब कर ली मैंने इसको फुल टाइट, जब फुल टाइट कर ली तब हमारा टाइमिंग हुआ कंप्लीट। अब टाइमिंग कंप्लीट हो गया, अब ये लंकी जो है ये निकाल लो, ठीक है, ये लंकी निकाल लो। अब इसको खोल लो, ये सारे बोल्ट को लाओ, चाबी दो जरा, हो गई हमारी कंप्लीट टाइमिंग। अब जो है इसे एक राउंड घुमा के हम टाइमिंग को चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे कि हमारी टाइमिंग कैसी है, यदि रॉन्ग रहेगी तो अड़ेगा कहीं ना कहीं, यदि सही चल रही है तो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। यही होती है टाटा मांजा की टाइमिंग डीजल की। चलो चलो, यहाँ देखो, यहाँ आएगा टाइमिंग। तो दोबारा से हम टाइमिंग को एक बार चेक करेंगे। आओ भैया और करो, बस बस बस, भाई बिल्कुल जीरो जीरो टाइमिंग हो गई। मैं भी देखूं जरा, इधर देखने का तो नहीं है, बस
ठीक है भाई, ये तो टाइमिंग आ गई यहाँ पे कट। क्या क्या कह रहे ये, इसमें मजा आएगा। हाँ इधर भी आ गया टाइमिंग भाई, टाइमिंग तो बिल्कुल जीरो जीरो हो गई। ठीक है आपको रहने दो, हटाओ बोल्ट हटाओ, इसे लंकी को निकाल लो। तो ये हो गई भाई टाटा मांझा की टाइमिंग। ठीक है अब हमारी गाड़ी हो गई कंप्लीट भाई, करो जरा स्टार्ट गाड़ी को। तो ठीक है भाई, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके थैंक यू।